सीरियल उडारिया में आज के एपिसोड में आपने देखा कि जैस्मीन ने कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए पूरी फैमिली को फतेह के साथ भेज दिया और खुद ऐसा दिखाया कि वो नहीं जाएगी, वो घर पे ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक शॉल जो कि मिनिस्टर को देनी थी, वो शॉल घर पर छूट जाती है और जैस्मीन उसे छुपा लेती है लोगों के आँखों से ताकि लोग इसे लेकर एकेडमी ना जाए। जब ये लोग पहुँच जाते हैं एकेडमी, तब इन्हें याद आता है कि भाई शॉल तो घर में ही छूट गया है। अब ऐसे में आपको बताते चले कि अब जो है जैस्मीन वो शॉल के बहाने एकेडमी पहुंच जाती है। यहाँ पर स्वीटी पहले से होती है। स्वीटी और जैस्मीन मिलकर खेल रचते हैं। जी हाँ, बैनर लेने के लिए तेजो जाती है एक रूम में और उसी रूम में तेजो को बंद कर दिया जाता है और यहाँ पर फतेह को सम्मानित किया जा रहा है। फतेह की वाइफ को भी ये कहा जा रहा है कि भाई फतेह कि एकेडमी आज इतनी ऊपर गई है, इतना अच्छा ये कर रही है, तो इसके पीछे फतेह सिंह की वाइफ का हाथ है। अब वाइफ को बुलाया जा रहा है स्टेज पर। अब ऐसे में आप सभी को जानकारी दे दें कि तेजो तो फंसी हुई है उस रूम के अंदर, वो लॉक हो चुकी है और यहाँ पर अब जो है ये दिखाया जा रहा है कि कैसे सभी के सामने फतेह जो है वो जैस्मीन का हाथ थामते हुए उसे स्टेज पर लेकर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जैस्मीन ही नहीं, यहाँ पर तेजो भी पहुंच जाएगी एन मौके पर, एन मोमेंट पर तेजो भी आ जाएगी स्टेज पर। यानी कि फतेह के एक ओर जैस्मीन तो दूसरी ओर तेजो होगी और यहाँ पर अब बात ये आ जाएगी कि अब फतेह क्या करेगा, किसे बताएगा अपनी बीवी। अब यहाँ पर वो अंकल भी पहुंचे हुए हैं जिसके सामने फतेह और जैस्मीन ने अपने आप को पति पत्नी बताया था। वो भी इस फंक्शन में आए हुए हैं, वो भी मिनिस्टर के साथ बैठे हुए हैं। अगर फतेह तेजो को वाइफ बताता है तो मिनिस्टर कहेंगे कि भाई इसकी वाइफ तो दूसरी है। अगर वो जैस्मीन को बताता है तो पूरे पिंड में, पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुनने में ये आ रहा है कि फतेह तेजो का ही हाथ थामेगा।